नहीं करो। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज, जब भी आप डिवीजन का साइन देखते हो क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसको इजी बना लो। बेस सेम है तो पावर्स को नेगेटिव कर दो, डिफरेंट है तो उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, ये रूल्स आपको ऑलरेडी पता है। तो आई थिंक हमने 11th तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम, एंड वी आर गोइंग टू डू 12th क्वेश्चन, विच इज टू बी डन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास बिगर नंबर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमने उसको, जो भी आपके पास नंबर है, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, सपोज आपके पास 1 0 0 0 2 3 5, बहुत बड़ा नंबर है सपोज आपके पास, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इतने बड़े नंबर को एक तो बोलना मुश्किल होता है, ऊपर लिखने में भी गलती हो जाती है। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि वी कैन राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन द पावर ऑफ 10। हाउ? आपका जो ये जो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट साइंस के, जब 8th डिजिट है उसके बाद आपका डेसिमल है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, दैट इज अंडरस्टूड कि उसका डेसिमल अगर हमें पूरे नंबर में नहीं दिखाई दे रहा तो दैट विल बी एट द एंड। वो डेसिमल उठा के हमने फर्स्ट वाले डिजिट के आगे लेके आना है, 1 के बाद लेके आना है। वी हैव टू गेट इट हियर, 1.000 जो भी नंबर है उसको लिख के इनटू 10 रेज टू पावर जितनी भी इसकी बन रही है। हैव यू डन दिस क्वेश्चन इन बुक? स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है आपने? यस, किया है आपको। एंड वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि अगर हम पॉजिटिव पावर लिखते हैं तो क्या होता है, अगर नेगेटिव पावर लिखते हैं तो कैसा नंबर होता है, वो चीज अभी हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। 12th क्वेश्चन देखो बेटा। डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1,27,56,000 मीटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट डाउन द नंबर फर्स्ट, दिस इज बिग नंबर, राइट इट नीटली प्लीज। 56,000, पुट कॉमर्स ऑल्सो, पुट कॉमर्स ऑल्सो एंड राइट द नंबर नीटली। प्रोड्यूसर लिखो, नंबर्स काउंट करो, 1,27,56,000, राइट, दिस इज इन मीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमने डेसिमल को, आपका यहाँ पे विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा डेसिमल जो है वो यहाँ पे है, 5,600.0, ये पॉइंट आपको अपने आप लगाना है कि डेसिमल वहां पे, पोजीशन डेसिमल की कहाँ पे है। ये बच्चों को कई बार मुश्किल लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो एक नंबर में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ यू हैव टू शिफ्ट डेसिमल ओवर हियर, ठीक है, वी विल राइट 1,27,56, ये जो बाकी जीरोज हैं नंबर के बाद ये वाले, ये यू कैन स्किप, यू नीड नॉट राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1.20 लिखो या 1.2 लिखो, एक ही बात होती है, डेसिमल के बाद जितनी भी आपके पास जीरोस आएंगी इट हैज नो वैल्यू, वी राइट इट एज 1.2 ओनली। डू यू नो इट? प्लीज राइट डाउन इन की पॉइंट, यू शुड नो कि डेसिमल के बाद जो हमारी नंबर के बाद जितनी भी जीरोस आती हैं दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर इटसेल्फ 1.2, चाहे आप 1,000 लिख दो तब भी इट हैज नो वैल्यू। दिखने में आपको लगेगा 20,000 है, नो दिस इज नॉट 20,000, दिस इज 0.200000, वी विल नॉट कॉल कॉल इट 20,000, दिस इज इक्वल टू 1.2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट, राइट डाउन नोट एंड कम राइट इट इन द नोटबुक ऑल्सो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज 1.2 के इक्वल होती है। ओके, तो यहां पे फिर अगर हमने डेसिमल लगा दिया 1.27,56,000 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वैल्यू, राइट, इनटू 10 रेज टू पावर। हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव शिफ्टेड, लेट अस काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, तो इट विल बी 10 रेज टू पावर 7, राइट। तो आपने कहा यहाँ पे नोट क्या आना चाहिए, आपको क्या बात याद रखनी है कि आपने क्या किया इसमें, डेसिमल हैज शिफ्टेड
जो आपको याद रखनी है, शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। प्लीज रिमेम्बर, पावर इज पॉजिटिव। याद रखना कि जब हम डेसिमल को ऐसे शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर जो है हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, नोट की फॉर्म में लिखो ताकि आप बाद में जब रिवाइज करोगे एग्जाम में आपकी याद रहेगा आपको कि डेसिमल राइट से लेफ्ट जा रहा है या फिर लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, नोट की फॉर्म में इनको साथ साथ लिखो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो। डेसिमल है शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्वेश्चन में तो राइट पे नहीं लिखा था बट हमने खुद लगाया, वी रोट आर सेल्फ। हमें पता है कि वहां पे डेसिमल नहीं दिख रहा, अंडरस्टूड है, वो लास्ट में। फाइन, तो इधर शिफ्ट हो गया। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.2756 × 10⁻¹। ये आपका फाइनल आंसर है। 13th क्वेश्चन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। ओके, अभी अगले क्वेश्चन में देखो आप, इसमें वैल्यू लिखी हुई है, द साइंटिफिक नोटेशन फॉर द नंबर। साइंटिफिक नोटेशन बतानी है आपको। लिखो नंबर इसका केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द नंबर, इट इज 0. काउंट करके लिखना, जीरोस भेज रहा, लेट अस काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, काउंट इट, एट। एट। यस, राइट डाउन केयरफुली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप भी बोल के लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज 135 साथ में लिखा हुआ है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो आपको मैंने बताया है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट वर्ड होता है वन, हमारा डेसिमल यहां से यहां पे आएगा। आप भी एरो लगाओ अपनी नॉलेज के लिए, आपने खुद ही अपनी नोटबुक से पढ़ना है बाद में, आपको पता होना चाहिए हम कहाँ से उठा के किस कहाँ पे लेके आए हैं। तो इट विल बी 1.35 × 10⁻¹। हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव शिफ्टेड, नाइन। एट तो आपके पास जीरोस थे तो यहाँ पे आ गया एक नाइन, तो इसका माइनस आएगा पावर -9। अगेन राइट डाउन नोट ओवर हियर, जो आपने बाद में याद रखना है फॉर्मूला की फॉर्म में, डेसिमल शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगी, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव। पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव। ठीक है, आपको पता भी है ये चीज, लेकिन हमने उसको नोट्स फॉर्म में अपने साथ रखना है ताकि हमें एग्जाम टाइम तक भूल ना जाए ये चीज। आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स, अभी मार्च में आपके एग्जाम होने हैं जाके, तब तक ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसलिए राइट इट इन नोट्स, नोट फॉर्म, एंड बाद में आपका नोट ही आपके माइंड में आएगा। जब एग्जाम में बैठे होते हो, आपके सामने इतने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उस चैप्टर में क्या किया था, उस चैप्टर में क्या किया था, तब ये छोटे छोटे नोट्स आपके काम आते हैं कि ये नोट में मैंने कॉपी में ये मैंने इस चैप्टर के मैंने 5 नोट लिखे हुए थे, इन नोट जो है उनको मैंने कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलो ये पक्का, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका, प्लीज माइंड इट, जब भी आपके होता है ये, यू ऑलवेज गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट हैपन, मैम दे आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट वन बेटा, 14। मैम प्लीज वेट। टिल द टाइम राइट डाउन द क्वेश्चन ओनली, 14th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। आई टोल्ड यू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्वेश्चन में आपने इसको लास्ट तक निकालना होता है, पावर खोलने के बाद। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई का मतलब है आंसर
पावर पॉजिटिव। शुड बी सॉल्व। सिंप्लीफाई का मतलब कि पावर को खोल के आपने आंसर लिखना है, पावर को सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं देना आपने। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है पावर को खोल के आंसर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर आया नीचे अगर 3 रेज टू पावर 3 आया तो वो उसको आंसर को लिख देते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नीचे आंसर आ गया 3 रेज टू पावर 3, तो चलो इट इज ओवर। नो, उसके आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज सिंप्लीफाई आपने अभी नहीं किया उसको। ठीक है बेटा, पावर को खोलोगे तो वो सिंप्लीफिकेशन होएगा, आपका लास्ट स्टेप में आंसर आएगा। ओके, फोर्थ 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 रेज टू पावर -1 -2 +1/3 रेज टू पावर। आप भी बोल बोल के लिखो मॉड्यूल से नोटबुक पे, लिपसिंग करो माइंड में, बोलो और लिखो। ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन गलती बहुत बड़ी हो जाती है इसमें। बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, साइन को ध्यान में रखना है, नेगेटिव को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यू कैन सी आई हैव गिवन अ प्रॉपर गैप बिटवीन देम, स्पेशली एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में गैप पे लिखो नंबर्स को जो कि आपको दूर से दिखाई दे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि सबसे पहले मेक द पावर पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, मेक पावर्स पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट डाउन। अंडर ठीक है, कई बार नहीं भी याद रहता तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। तो जब आप पॉजिटिव करते हो, आप इनको रेसिप्रोकल करते हो, पता है आपको, तभी तो पावर पॉजिटिव बनेगी, राइट। +3 रेज टू पावर 2 + 4 टू, वेरी गुड। प्लीज सॉल्व इट, सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, कुछ कुछ रूल तो लगने नहीं वाला है इसमें, कोई बेस सेम नहीं है, ऑल द बेसिस आर डिफरेंट। चलो वेट करो, सबको करने दो बेटा, 2 मिनट वेट करो। यस, इट इज सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई कैन सी मेनी हैंड्स। ओके, लास्ट बॉय, ब्लू टी शर्ट बॉय, लास्ट मिडल रो, जिसने हाथ खड़ा किया था, हाँ जी, बेटा क्या आंसर आ रहा है? 29। 29। दिस इज करेक्ट आंसर, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, पॉजिटिव पावर को कैसे खोलना है वो आपको पता है, उतनी बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 15th क्वेश्चन। अभी बाकी क्वेश्चंस मैं क्विकली आपको हिंट दूंगी और आप करते जाओगे बिकॉज आपको काफी समझ आ चुका है इसमें, राइट। 1/3, ध्यान से करना बेटे, फिर से नेगेटिव पावर है, -3 -1/2 रेज टू पावर -3, दिस इज इन बिग ब्रैकेट, प्लीज रिमेम्बर। आप भी ब्रैकेट डालोगे, बिना ब्रैकेट के डाला तो वो गलती हो जाएगी। डिवीजन ऑफ 1/4 रेज टू पावर -3, मॉड्यूल में अगर आपको बाय चांस प्लस दिख रहा है तो प्लीज करेक्ट इट, वो प्रिंटिंग में कई बार हो जाता है, डिवीजन लुक्स लाइक प्लस ओनली, है ना, तो उसको डिवीजन का साइन है वहां पे, आप खुद उसको ठीक कर लो। ठीक है, डोंट फॉरगेट योर एम, योर एम इज टू मेक इट पॉजिटिव। स्टार्ट कर दो, सब अपना अपना करो, डू इट योर सेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड, मेरा अंदर कॉपी नहीं करना, जिन्होंने कर लिया एक बार और दोबारा चेक करो, कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम जल्दी में नहीं करेंगे, वी वॉन्ट फुल मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में फुल मार्क्स आने में कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, अगर कोई मार्क्स कटेगा तो आपकी केयरलेसनेस से कटेगा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबको सबसे पहले हमने पॉजिटिव बनाया, डिवीजन है तो चलने दो उसको, कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ एक ही स्टेप में नहीं कर लेना, कई बच्चे इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे उसको रिवर्स कर देते हैं, आपकी गलती होगी। एट ए टाइम एक रूल फॉलो करो एक स्टेप में, ठीक है, प्लीज राइट द नोट हियर। इसके साथ जो चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉलो वन रूल इन वन स्टेप, ठीक है, आपको क्वेश्चन करने में 1 सेकंड ज्यादा लगेगा बट योर क्वेश्चन विल बी करेक्ट, एट ए टाइम एक ही रूल को फॉलो करो।
द पावर्स आर पॉजिटिव नाउ, प्लीज सॉल्व इट. जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं बोर्ड से देखेंगे और मैच करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज 3 रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3, राइट. ये आपका ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3. एंड प्लीज रिमेम्बर, ये आपका ब्रैकेट में है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे. किसने किया है? यस, आई कैन सी हैंड्स. यस, फर्स्ट बेंच बेटा. अब बता दो, येलो टी शर्ट गर्ल, या आपके पास माइक भी है? 19/64. 19/64, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. 19/64. प्लीज रिमेम्बर, इस स्टेप में बहुत बड़ी गलती होने वाली है कई बच्चों की, आई नो. प्लीज टेक केयर. सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है. सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. प्लीज रिमेम्बर, जंप नहीं करना आपको. डोंट जंप टू नेक्स्ट स्टेप. आंसर की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि अभी आगे क्या होने वाला है. एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसको नहीं हम देखते हैं, ठीक है. पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया, फिर हमने डिवाइड करके 4 रेज टू पावर 3 किया, और हमने पावर तो खोलनी है बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. आंसर विल नॉट बी इन पावर, वी विल सिंप्लीफाई, वी विल ओपन द पावर एंड देन फाइंड द आंसर. इट इज 19/64. एवरीबडी मस्ट हैव फाउंड इट नाउ. किस किस का निकला है, रेज योर हैंड प्लीज. वेरी गुड, वेरी गुड. जो बच्चे कर रहे हैं अंडरस्टैंड करके करना बेटा, ओके. कॉपी डाउन करो, इट्स ओके, बोर्ड से कर लो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट. ये ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले. 27-8 आएगा, फिर डिवाइड करो 4 रेज टू पावर 3 से. फ्रैक्शन में आंसर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका सॉल्व होना चाहिए प्रॉपरली. 16th क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु आर नोटिंग फ्रॉम द बोर्ड प्लीज रिवाइज इट. दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आप रूल फॉलो कर रही हो. और किसी को नहीं समझ आया कोई स्टेप एंड स्टैंड एंड आस्क मी. किसी किसी को प्रॉब्लम है खड़े होकर आगे आके पूछो आंसर स्टेप की कैसे आया. 16 क्वेश्चन नंबर 16, राइट. दिस इज गिवन इफ 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1, रेज टू पावर 3x माइनस 1. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन केयरफुली. 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करना, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6. डिवीजन का साइन है वहां पे, अगर नहीं दिखाई दे रहा क्लियरली तो इसको कर लो. फाइंड एक्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमारा क्वेश्चन है एक्स निकालो. क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन हमने तो अपना रूल चलाना है. आपके 5-6 रूल्स हैं, उनको फॉलो करो. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1. हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ही कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को उधर लेके जा सकते हैं. हमें जो रूल पता है मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिनोमिनेटर होता है वी ट्रांसफर्स इट टू अदर साइड. ये चीज आपको पता है. टिल हियर वी हैव डन वेरी सिंपली. अभी तक हमने कोई रूल नहीं लगाया, सिंपली हमने इसको, हमें जितनी जितनी समझ आ रही है हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया, ठीक है. अभी धीरे धीरे ट्रांसपोज करो इनको, नंबर्स को, जो जो आपको दिख रहे हैं. आपके पास अभी आ चुकी है इक्वेशन 3 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 42. आपके पास आ चुका है. अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं लगाया हमने, बट वी नो वी कैन ट्रांसपोज 10 ओवर हियर. 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 42 माइनस 10
इज इक्वल टू 32। यू नो कई बार ना क्वेश्चन करते करते ऐसा लगता है कि यार ये तो बच्चों वाली बातें हो रही हैं सब, क्या है ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर करते जा रहे हैं हम बार बार। आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है, ओके, एंड नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज हैज स्टार्टेड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि ये पावर का क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंशियल एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपका कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, घबराना नहीं है, चलते जाओ आगे, हो सकता है अभी आगे यूज हो। नाउ दिस इज 32, दिस इज 2 raised to power समथिंग। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं कि जब तक हमारे पास दोनों साइड पे बेस सेम नहीं आएंगे हम पावर को इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि 32 को हमने 3x-1, 32 को हम 2 की पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तभी तो हमारा आंसर आगे शुरू होगा। कैन वी राइट 32 एज पावर ऑफ 2? बहुत क्वेश्चन में यूज किया होगा आपने, प्लीज चेक इट, जल्दी से इसकी फैक्टराइजेशन करो, 32 की चेक करो, 2 की पावर क्या बन रही है। एवरीबडी विल डू, बोलना नहीं अभी, बैठे बैठे नहीं बोलना, लेट एवरीबडी डू, आई विल कॉल द नेम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है ये। चनवीर सिंह एक थे, टू की पावर क्या आएगी बेटा? मैम 2 पावर 5। एक्सेलेंट, 2 पावर 5, वी कैन राइट इट एज 2 पावर 5, 32। काफी क्वेश्चन में आपने यूज किया होगा। अभी आपको दिख रहा है कि बेस दोनों के सेम है, बोथ आर इक्वल, वी कैन इक्वेट द पावर्स, 3x-1 इज इक्वल टू 5, निकाल लो इसको जल्दी से। अभी 2 का रोल जो है वो खत्म हो गया क्वेश्चन में, बेस वॉज सेम, इट हैज गॉन, सो व्हाट इज नेक्स्ट बेटा? ये इस कॉर्नर गर्ल, कॉर्नर में दैट गर्ल वॉज रेजिंग अ हैंड, यस बेटा, And then the value of x is 2। एक्स इज 2, यू फाउंड इट, आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किए हुए ये वैल्यूज, ऐसी वाली, वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का, यू नो, बिकॉज दिस इज यू आर फॉलोइंग सो मेनी स्टेप्स ओवर हियर, एंड ये ट्रांसपोजिशन जो चल रही है, इसमें ट्रांसपोजिशन आपको ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में सिखाई हुई है, यू नो कि जब ट्रांसफर होता है नंबर ऑन द अदर साइड, उसका साइन का हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, वी आर टचिंग एवरी क्वेश्चन, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे मैं करवा रही हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्टेड, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी गुड, स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 17, डू इट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, नोटबुक आपके साथ है, बुक आपके साथ है, अगर आपने रूल देखना है यू कैन सी द रूल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज -1/2 रेज टू पावर 2, राइट, वन देर इज कर्ली ब्रैकेट, इट इज अगेन -2, वन मोर पावर इज देयर -1। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी ब्रैकेट्स लगाई हैं, बट आपने डरना नहीं है, यू नो पावर ऑफ अ पावर का क्या मतलब होता है, यू नो इट, यस यस, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उन्होंने आंसर निकाल लिया है पूरा, ओके गुड, देन मेनी चिल्ड्रन नो इट, आई थिंक इट्स का आंसर आ रहा है 1/16, वेरी गुड, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, यू नो वेरी वेल, पावर ऑफ अ पावर का रूल चला है हमारा, ठीक है, यू हैव मल्टीप्लाइड ऑल द पावर्स, पावर हैज बिकम पॉजिटिव, किसी को कोई डाउट है इसमें? सिंपल क्वेश्चन था, जो खड़ा होके डाउट पूछेगा एनी चाइल्ड, ही विल बी द ब्रेव चाइल्ड,
एनी ब्रेव चाइल्ड हु कम्स फॉरवर्ड टू आस्क द डाउट, आई ऑलवेज लुक फॉर दैट. है कोई ऐसा? फाइन, मैं वेरी गुड, देन यू आर ऑल इंटेलिजेंट, राइट? फाइन, क्वेश्चन नंबर 18, यू आर डूइंग इट क्विकली नाउ, वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली करो, डिस्कस मत करो अपने फ्रेंड से, एग्जाम में भी खुद ही करना है आपको. 18th क्वेश्चन, 1024 रेज टू पावर, 1024 रेज टू पावर -4/5. कुछ कुछ नंबर ना आपको लगता है कि देखा हुआ है, ये नंबर बहुत देखा हुआ है मैथ्स की बुक में, बहुत बार यूज होता है. जैसे 32 था, आपने क्विकली मेरे को बता दिया कि 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5. ये चीज तो आपको याद रहनी चाहिए. सिमिलरली 1024 ऐसा नंबर है विच इज 2 रेज टू पावर 10. इन चीजों को तो ऐसे ओरली याद कर लो, राइट? लेट मी कॉल न्यू चिल्ड्रन नाउ. बी सेक्शन, दमनदीप सिंह एब्सेंट एब्सेंट, प्रभजोत इसका आंसर निकाला है आपने? हाँ यस, जी, बताओ बेटा. 1/2 पावर 8. वन ओवर 2 पावर 8, दिस इज नॉट द आंसर. मैम ये एक्सप्लेन हाउ आई हैव डन. ओके, टेल मी द फाइनल आंसर. पहले फाइनल आंसर यू हैव नॉट टोल्ड मी करेक्टली. 1/2 रेज टू पावर 8 इज नॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, 1/2 रेज टू पावर 8 आएगा. कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किन किन बच्चों ने यहां तक कर लिया है, जिन्होंने यहां तक पहुंच चुके हैं इस स्टेप तक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर को पॉजिटिव बनाया, आपने लिखा 1024 रेज टू पावर 4/5. सबसे पहले आपने पावर को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिखा 2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 4/5. ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी है, ज्यादा इजी नहीं है ये. जिन बच्चों को नहीं आ रहा है इधर देख लो जरा हाउ टू डू. सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव बनाया, फिर हमने 1024 को 2 की पावर में लिखा, विच इज लाइक दिस. और आपको पता है ये कैसे आया, ये अगर नहीं भी आपको याद होता इट्स ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, आपको पता चल जाएगा कि 2 आपका 10 बार आएगा, तो आपने लिखा 2 रेज टू पावर 10. यू कैन राइट इट एज 1/2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 4/5. आई टोल्ड यू पावर आप पूरे की लिखो या इसके ऊपर लिखो, एक ही बात है, ये बोथ आर द सेम स्टेप्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यू कैन कैंसल इट, राइट? इट विल बी, आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट, 1/2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 4/5 था आपका, तो ये हो गया 1/2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 4/5. तो आपने इसको कैंसिल किया, इट हैज बिकम 2 1/2 रेज टू पावर 8. दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, तो क्या होना चाहिए आंसर? 1/1 over 2. 256. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 8 टाइम्स, 1/256. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, द बॉय वॉज टेलिंग मी. समझ आ गया बेटी आपको? ओके, बहुत यू नो क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत लगती है, एवरी स्टेप पे आपकी मेहनत लग रही है, यू आर थिंकिंग इट डीपली कि अब क्या करें, अब क्या करें, पावर क्या लिखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, रूल कौन सा फॉलो करें, ब्रैकेट लगाएं कि नहीं लगाएं, दिमाग चल रहा है ना आपको हर एक क्वेश्चन में, कितनी चीजें आप याद कर रहे हो. और लास्ट में जब आप एंड पे पहुंच गए तो सी क्वेश्चन को रीड करो कि उन्होंने पूछा है कि सिंप्लीफाई करो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दो. एक्सपोनेंशियल में पूछा है तो छोड़ दो इसको यहां पे, दिस इज द फाइनल आंसर.
अगर सिंपलीफाई पूछा है तो एक स्टेप और करो। ओके 19th क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, ये थोड़ा सा हायर क्लास का है, प्लीज लीव इट, 19th को यू कैन कट, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली अभी आपका 8th क्लास में नहीं यूज होता, इट्स ओके, इसको छोड़ सकते हो 19th क्वेश्चन को। कम टू 20th क्वेश्चन, Yes, boys and girls, यू कैन क्रॉस 19th क्वेश्चन, इट्स ओके, स्क्वायर रूट वाला छोड़ दो, आपको ऐसा नहीं आएगा 8th में। 20th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डू द क्वेश्चंस कंफर्टेबली, नॉलेज अप्लाई करो, एवरीबडी स्टार्ट, आई विल कॉल द नेम, बैठे बैठे आंसर नहीं बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 20th, थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस वन, आपने अगर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आपका चैप्टर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए, यू नीड नॉट वरी। ओके चलो स्टार्ट इट, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, आप प्लीज स्टार्ट इट। आपने इतने सारे चैप्टर्स किए हुए हैं, कोई भी रूल लगाओ, कैसे भी क्वेश्चन शुरू करो। बी सेक्शन, सुकरात सिंह, सुकरात आपने मेरे को पहले भी बताया था ना, पहले आए नो, अच्छा ठीक है ओके। हाउ टू स्टार्ट बेटा, M3x-1 49/6 वेरी गुड, 49/6 + 5/6, आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया, वेरी गुड। आगे क्या किया? हाँ यस, वेरी गुड करते हैं। ओके, ठीक है बैठो आप, इट्स ओके, सिट डाउन सिट डाउन। ए सेक्शन, निमित पाल, ए सेक्शन निमित पाल, इसका नेक्स्ट स्टेप किया आपने? हाँ जी बताओ, यू आर सॉल्विंग इट, कर रही हो अभी, इट्स ओके, बैठो, बैठ के करो, सिट डाउन। वेट, थोड़े बच्चे अभी कर रहे हैं बेटा, हैंड्स तो आपके मेरे को दिख रहे हैं। यू विल टेल मी आंसर, आई नो, लेट अदर्स ऑल्सो डू, बाकी बच्चे भी अपना पेन चला रहे हैं, लेट मी कॉल अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो। ओके ओके, चलो अभी तक तो हो जाना चाहिए सबका। देवपुरी, बी सेक्शन, ये बेटे आपने M3 एक्स की वैल्यू 3, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, डाउट क्यों हो रहा है आपको, आपने खुद सॉल्व किया है इसको। वेट वेट हियर, कम टू माइक, माइक के पास आओ, माइक के Yes. पास आओ, इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ पहले मेरे को। मैम 3 है उसको, फिर वहां पर प्लस कर कर फिर 4 वो आ जाएगा 54/6, हाँ अभी मुझे पता चल गया आपने कुछ किया है, दैट इज फाइन, दिस डाउन, फिर उसको कट कर देंगे। हाँ यस यस, गुड गुड गुड, दिस इज फाइन, ठीक है, इट इज 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, जो बच्चे अभी कर रहे हैं प्लीज मैच कर लो इसको, x-1 = 2, आप देख रहे हो यहाँ पे बेस सेम है, तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो एक्स हैज बिकम 2 + 1 = 3, कई बच्चे थोड़ा सा स्लोली कर रहे हैं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ओके अंडरस्टैंड करके करो, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछो मेरे से। हाँ
यू नो व्हाई आई आस्क यू कि कैसे किया ये क्वेश्चन, अभी जैसे देवपुरी ने मेरे को बताया था, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आपने किसी पूछ के तो नहीं बताया किसी से आंसर, तो आप खुद कर रहे हो ना, जस्ट टू चेक दैट आई आस्क यू द मेथड हाउ डिड यू डू. ओके योर क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ओवर. 21st क्वेश्चन आप अपने आप करोगे योर होमवर्क, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से घर पे बैठ के करना इसको, दिस इज योर होमवर्क. 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और इसको एक बार पढ़ लो जरा, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो कि 21 क्वेश्चन में ये करना है वो करना है, एक बार प्लानिंग कर लो इसकी कैसे करना है ये. चाहे अभी सॉल्व नहीं करो लेकिन इसकी प्लानिंग करो कि क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप. बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका, ठीक है. पहले आप 6 को ब्रेक करोगे, फिर 35 को ब्रेक करोगे, 18 को ब्रेक करोगे, 14 को ब्रेक करोगे, 21 को ब्रेक करोगे, सारे नंबर्स को आप अलग अलग फॉर्म में लिखोगे. 21st क्वेश्चन यू विल बी डूइंग योर सेल्फ, ठीक है. आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से करना है इसको, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसका आंसर बताना, दिस योर होमवर्क. कम टू एमसीक्यू. हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को? एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपकी नॉलेज अप्लाई होने वाली है सब क्वेश्चंस में. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ध्यान से इनको देखो. जसप्रीत कौर 8B मैम आ गया हो. ऑप्शन ऑप्शन सी. यस, क्यों, रीजन, रीजन क्या है इसका? सी इज करेक्ट आंसर, सी. क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 4 8 होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर में, 6 लिखा हुआ है, ठीक है. ऑल राइट, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्सप्रेशंस आर शोन बिलो. तीन एक्सप्रेशंस आपको दिख रही हैं, 10 रेज टू पावर 5, रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर -3, रेज टू पावर -9. फॉर विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस कैन वी यूज द रूल? कौन सी? लास्ट बॉय, रेड टी शर्ट बॉय नियर द बोर्ड. यस, बहुत जल्दी इसने हाथ खड़ा किया, एंड ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम. जल्दी से इसका आंसर बताओ, कौन सी ऑप्शन होगी, कौन सी आए? आप मेरे को सुनी नहीं आपकी आवाज बेटा. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी गुड. ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, सबके लिए अप्लाई होगा, पावर ऑफ अ पावर है तो सब में हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन फॉर सेकंड क्वेश्चन, इट इज सी ऑप्शन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ पी क्यूब इंटू पी माइनस, इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट इट डाउन अभी नोटबुक में लिख के करो. पी क्यूब इंटू पी रेज टू पावर -2 इंटू, इसको ब्रैकेट में डाल लो बेटा, क्यू रेज टू पावर 5 इंटू क्यू रेज टू पावर -3, इसको ब्रैकेट में डालो, इज इक्वल टू 50. दे आर आस्किंग अबाउट पी एंड क्यू, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, आपको पता है कि इसमें कैसे करना है. हमने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, पी एंड क्यू की वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जो 50 है ना यहाँ पे, आपको वो पी इंटू क्यू की फॉर्म में आना चाहिए. अगर पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 50 आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि पी इंटू क्यू, पी और क्यू क्या क्या है. तो हमें एज अ रूल हमें पता है कि बेस सेम है तो हम पावर्स को
प्लस कर देंगे, 3 प्लस माइनस 2 दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी फर्स्ट ब्रैकेट में, इंटू क्यू रेज टू पावर, फिर से बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, रूल फॉलो करो, 50 हमारा साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट, पी रेज टू पावर 3 माइनस 2 1 इंटू क्यू रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन आपका छोटा बन चुका है अभी, अंडरस्टैंड इट देन नोट डाउन, आई कैन सी हैंड्स, यस। थिंक ऑफ इट कि कौन से टू नंबर्स का प्रोडक्ट 50 होता है। आप बड़ी क्लास में हो, आपको गेस हो रहा होगा कि 50 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 25 इंटू 2, हमें पता है 25 इंटू 2 इज 50। तो P क्या होना चाहिए और Q क्या होना चाहिए, ऑप्शंस भी दी हुई हैं आपको, वेरी गुड। थर्ड बेंच रेड टी शर्ट गर्ल, यस, द मिडल रो, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दैट इज 25 इंटू 4। 25 इंटू 4 इज नॉट 50 बेटा, बैठो आप बैठो। दैट अदर गर्ल ऑन द राइट साइड, रेड टी शर्ट गर्ल, शी वॉज ऑल्सो रेजिंग हर हैंड, इसको भेजो। यस यस बेटा, साइड रो पे, यस, वेरी गुड, आ जाओ आगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी में इट इज गिवन 2 एंड 25, 2 एंड 25। अगर आपके पास 25 है तो ये तो 25 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 25 इज करेक्ट, बट उसका स्क्वायर होना चाहिए ना। यू आर राइट कि ये हमारे पास 2 इंटू 25 होगा, यस, बट हमने इसको अभी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50। एक स्टेप यहां तक ठीक है आपका आंसर, बट 25 को हमने पावर के फॉर्म में लिखना था, ताकि क्यू की पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 होनी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन, पी इज 2 एंड क्यू इज 5। क्वेश्चन जल्दी में नहीं करना बेटा, प्लीज टेक केयर, आपने बहुत मेहनत की यहां तक आने के लिए। जिन बच्चों ने ये निकाले हैं ना, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 है, यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन स्टिल यू आर अवे फ्रॉम द आंसर, अभी तक आप आंसर पे नहीं पहुंचे हो, क्योंकि आपको क्यू का स्क्वायर निकालना है। आपको ये देखना है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, ताकि आपको पी की जगह 2 लिख पाओ और क्यू की जगह 5 लिख पाओ, और फिर उसका स्क्वायर में आप लिखो कि ये 25 है। इज इट क्लियर नाउ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, स्टार लगाओ इसको नेक्स्ट टाइम आपको रिवाइज करने के लिए, आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर, स्लोली करना है ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसके बहुत स्लोली करने वाले हैं। -7 रेज टू पावर 5 इंटू -7 रेज टू पावर 2, राइट, लंबी एक्सप्रेशन है, ध्यान से करनी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 7 -7 रेज टू पावर 4, दिस इज डिवीजन साइन, डिवीजन का साइन है बीच में, और बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें दिख रही है, जो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी करने वाला है, दैट इज बेस इज सेम एवरीवेयर, सब में बेस सेम है, दिख रहा है आपको, जल्दी से रूल लगा दो अपना, जल्दी से रूल लगाओ, मल्टीप्लीकेशन में रूल लगाओ, एट ए टाइम एक रूल लगाना है, मैंने आपको बताया था एक स्टेप में एक रूल को फॉलो करना है आपने, तो इट शुड बी -7 रेज टू पावर 5 प्लस 2, एक रूल फॉलो कर लिया हमने, और दूसरे वाले को एज इट इज लिख लो साथ में,
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपके 4 स्टेप आएंगे इसमें, ठीक है, बहुत क्लियरली सबको दिख रहा है, डिवीजन है तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी, ठीक है, इसकी ऑप्शन बताओ क्या आ रही है। 5 माइनस 5 प्लस 2 था 7, तो -7 raised to power 7 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, कौन सी ऑप्शन आ रही है बेटा? ए ऑप्शन, राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स का आ सकता है, ओके, अगर एमसीक्यू में नहीं आता तो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, 5th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है, अगर आप इसको खुद कर सकते हो तो 5th क्वेश्चन ट्राई करना इसको घर पे, ठीक है। व्हाई आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, क्योंकि इसके बेस सेम है, पावर्स को जस्ट आपने ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट इज पी, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास पी है बेस, सेकंड ब्रैकेट में फिर से पी है, थर्ड में फिर से पी है, पावर्स को आपने डील करना है और अपने आंसर निकालना है, तो टेल मी नेक्स्ट टाइम इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और लिख के करना है ऐसे नहीं, ओरली नहीं करना, बिकॉज आर और एस जो है इसमें पावर्स आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा, ओके। आपने बेटा आइडेंटिटीज की हुई है फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन चैप्टर किया है आपने, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया है, ओके ओके, इट्स ओके, तो अभी आप छोड़ सकते हो फिर इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके, बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल, मैं पूछने वाली हूँ आपसे, एवरीबडी विल डू ये कंसेप्ट, हम बहुत बार कर चुके हैं, 1/4 raised to power -2, एवरीबडी विल डू, आई विल कॉल द नेम, मानव 8 मैम एब्सेंट, थे, ओके, आप बता दो बेटा, 16, 16, ये ऑप्शन आ रही है आपकी, बहुत सिंपल था, नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ा, वी हैड टू राइट 4/1 raised to power 2, अब सबको पता चल गया कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दैट्स व्हाई इस आंसर इज 16, ओके। 7th क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 3/7 raised to power -3, प्लीज सॉल्व इट, एक्स इज इक्वल टू 3/7 raised to power -3, यू हैव टू फाइंड x raised to power -2, जनरली आपके क्वेश्चन में एक्स पूछा जाता है हमेशा, तो अभी दे आर आस्किंग x raised to power -2, वेट करो बेटा, सबको करने दो, 1 सेकेंड, आई विल कॉल यू, ओके गुरजोत सिंह 8 थे, सिंपल क्वेश्चन है, मैम ऑप्शन ऑप्शन सी मैम ऑप्शन सी, कैसे किया आपने इसको, हाउ डिड यू सॉल्व इट, मैम आपने अब किया आपने, हाँ यस जी फिर बताओ, मैम पावर्स विल मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई है, आपने इसको पहले पॉजिटिव पावर बनाया है, पॉजिटिव बनाया है इसको, ओके, मैम फिर आपने पावर खोली इसकी, 7 power 3 and 3 power 3 खोला है इसको आपने, हैव यू डन इट इन दिस वे, यस ओके गुड, यस,
गुड, तो आपने निकाला इसका आंसर एक्स रेज टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू 3/7 रेज टू पावर 6। ओके ओके, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। हु एल्स हैज फाउंड, और किसने किया इसको? हाँ जी बताओ बेटा। मैम थ्री रेज टू पावर -11। 3 रेज टू पावर -11। नहीं नहीं आपकी ऑप्शन क्या आ रही है? ऑप्शन डी मैम, बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बी में तो 3/7 रेज टू -6 है ना। मैम, नो फॉर क्वेश्चन 8। ओके नहीं, मैं 7th क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ अभी। 7th का आंसर बताओ। मैम ऑप्शन सी। ओके एवरीबॉडी हैज डन 7th क्वेश्चन सी ऑप्शन। ओके यू आर टेलिंग मी 8th का आंसर। यस यस दिस इज आल्सो सिंपल, 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -6। राइट, व्हाट डिड यू डू, इसमें क्या किया आपने, मेथड बताओ मेरे को। ओके दैट पर्पल टी शर्ट फर्स्ट बेंच। यस मैम, इट आंसर विल बी 3 रेज टू पावर -11। वी हैव यूज द लॉ, वी विल टेक द बेस कॉमन, 3 रेज टू पावर 5 -6, देन माइनस माइनस प्लस साइन विल बिकम ऑफ बिग, देन इट विल बी -11, 3/-11 आंसर, रेज यू डिड दिस स्टेप राइट। टू पावर माइनस इलेवन आंसर। तो 3 रेज टू पावर आपके पास 5 -6 था, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। राइट तो आपके पास आ गया 3 रेज टू पावर 5 + 5 + 6 3 रेज टू पावर 11। आपकी जो ऑप्शंस हैं दे आर इन पावर फॉर्म, तो क्या ऑप्शन आने चाहिए इसमें, 3 रेज टू पावर 11 या -11। -11, क्वेश्चन क्या था ये, 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -6 ये था ना क्वेश्चन बेटा। बेस सेम है दोनों का तो आपने पावर्स को माइनस किया, बेस सेम था तो आपने माइनस किया इसको, ये स्टेप फॉलो किया, 5 ऊपर है और नीचे वाली पावर जो है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज फाइन, दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीबॉडी। डिवीजन का साइन है तो नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी बेटा, आपका साइन ये ऐसे है ना, 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -6। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपका बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, सो इट विल बी 5 -6 -6 ऊपर जाके, -6 से एक इंटीजर है, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके उसका नेगेटिव होना है। ठीक है तो वो हमने जब ब्रैकेट खोल ली इट हैज बिकम 5 + 6 तो ये हो गया 11। तो आपकी ऑप्शन आ रही है बेटा सी। ओके योर डाउट इज क्लियर बेटा है ना। टेक केयर, ये छोटा सा क्वेश्चन था बट मिस्टेक हो जाती है फिर भी, क्योंकि हमारा प्लस माइनस के थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो 9th क्वेश्चन करो, ध्यान से करना इसको, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। केयरफुली एवरीबॉडी, मैं अभी आई कॉल द न्यू चाइल्ड। असाइनमेंट आपकी खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9, 7 रेज टू पावर -1। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी डाउन कर लो। -8 रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -1, -3 रेज टू पावर -1, -4 रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -1। क्वेश्चन पहले तो कॉपी डाउन कर लो ध्यान से। नेगेटिव नेगेटिव पावर, आपकी 8th क्लास में ये चैप्टर इसलिए बना है क्योंकि आपको नेगेटिव पावर के बारे में सिखाना था। राइट कि क्या होता है, अब आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है इसमें। यू कैन सी इसकी पहले तो ऑप्शंस आपकी जो है ना वो सॉल्व करके लिखी हुई है, आपको दिख रहा है कि पावर के फॉर्म में नहीं है वो। ठीक है तो एवरीबडी सॉल्व इट, आपने कर लिया बेटा, हु इज रेजिंग योर हैंड। हाँ जी बताओ। हाँ मैम आंसर, जी एम 44, ओके
स्टार्ट कैसे किया आपने, स्टेप्स किए हैं सारे? यस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द पावर पॉजिटिव देन इट विल बी 1/7 -1/8 रेज़ टू पावर -1 वेरी गुड, एट अ टाइम एक चीज फॉलो की है हमने, वेरी गुड 1/3 -1/4 रेज़ टू पावर -1 वेरी गुड एंड देन सॉल्विंग दिस वी गेट 1/56 रेज़ टू पावर -1 1/56। यू नो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि ये वन कैसे आया, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी। मैम बाय टेकिंग एलसीएम एंड यस आई वांट टू राइट हियर क्लियरली कि आपका ये जो स्टेप है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऊपर आएगा 8 -7 तो उससे आपके पास ये आया। ये एलसीएम की बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को। मैम रेज टू पावर -1 यस दिस इज ऑल्सो 4 -3 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर -1 बहुत। देन 1/56 रेज टू पावर -1 माइनस यस 1/12 रेज टू पावर -1 देन इट विल बी 56 -12 वेरी गुड देन आफ्टर माइनस वी गेट 44 यस पेशेंटली करना है, हर एक स्टेप को पेशेंटली करना है, सोच के बोल के। जब आप मुंह से बोल रहे हो ना कोई चीज वो गलत नहीं हो सकती। स्पीक आउट एंड डू। और किस किस ने निकाला है, खुद निकाला है 44 जिन्होंने आंसर निकाला है, प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने खुद किया था। थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन, ज्यादा इजी नहीं था लेकिन सोच के करने वाला था ये। ओके इट्स ओके, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर देम। घर जाके इसको रिवाइज करना एंड स्पेशली दिस चैप्टर के लिए आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस, राइट नीटली ईच एंड एवरी पावर वर्ड आपका फ्रैक्शन। एक एक लाइन छोड़ के आपके नोटबुक में एक एक लाइन बीच में गैप होनी चाहिए ताकि आपको पावर के लिए स्पेस मिले। ठीक है डोंट बॉदर मच अबाउट द पेज अगर आपको स्कोर करना है मैथ्स में तो। ठीक है बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका है, टाइम इज गोइंग टू अप। लास्ट क्वेश्चन इसका, फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर जेड जेड रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 3 इज सो सिंपल एवरीबडी नोज। इज इट बी? यू नो इट यस, 10th की आपकी बी ऑप्शन आ रही है। ये ओरल क्वेश्चन था आपका राइट right? अगर आप ये मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हो देन यू आर डन विद दिस चैप्टर। ऑल राइट प्लीज रिवाइज दीज ऑल बेटा। ओके एंड डोंट फॉरगेट एवर। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली मैम। सेम टू यू, एंजॉय अ लॉट विदाउट क्रैकर्स। Seventh A and seventh B are in same class. Yeah. Not seventh, I'm sorry, eighth class. Right? अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आज का क्या है, आज तुम कल की एक्टिविटीज हो गई, कल स्पेशल असेंबली हो गई स्कूल में? Yesterday. Yesterday. Is there any program today also? No. Oh, okay. आज सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है? अच्छा अब ये बताओ कि दिवाली किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, 31st की कि फर्स्ट की? फर्स्ट की कर रहे हो, पीपल आर सो मच कंफ्यूज राइट? तो ओके 31st की भी कर लेना, फर्स्ट की भी कर लेना, पटाखे ही तो जलाने हैं आपने। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज क्रैकर्स, कितने बच्चे पटाखे जलाते हैं, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, थोड़े से तो चलाने चाहिए, ऐसी क्या बात है ना? नीचे नीचे, बट बेटा बहुत बड़े बड़े नहीं है ना, सम पीपल करते होंगे, आप भी करते होंगे कि वो जो 1000 पटाखों की लड़ी होती है, 1000 पटाखों की लड़ी वो जला दी है ना, यू बिकम हैप्पी, बट इट कॉजेस प्रॉब्लम टू सम अदर पीपल। ठीक है तो इसलिए एवरीबडी हियर
ठीक है, ऑल्दो मैम लेक्चर ही दे रही है, बट यू शुड बी यू नो सेंसिटिव टू अदर पीपल ऑल्सो. ठीक है, आपके साथ में कुछ ओल्ड पीपल भी होंगे, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी, न्यू बॉर्न्स भी होंगे, जिनके लिए वो आवाजें जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, हमारे चंडीगढ़ में तो बेटा 10 o'clock तक होता है, 10 o'clock के बाद अगर करें तो पुलिस को कंप्लेंट चली जाती है, 10 o'clock के बाद कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, चाहे वो किसी की शादियां हो, चाहे वो किसी के बर्थडेज हो, चाहे किसी के घर कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, आफ्टर 10 o'clock यू कैन नॉट डिस्टर्ब अदर्स. बट व्हेन आई गो टू यू नो माई रिलेटिव्स इन पंजाब, है ना, रात को भी शादियां हैं तो इतने ढोल धमाके हैं, इतना लाउड स्पीकर है, सुबह सुबह हमारे मंदिर गुरुद्वारे वो सुबह 4 बजे इतने बड़े बड़े माइक्स लगा के, है ना, क्या होता क्या है. इट्स गुड, अच्छी आवाजें हमारे कानों में जाती है, ये तो अच्छी बात है. बट व्हाट हैपेंस कि कुछ ओल्ड पीपल है, कुछ बच्चे जो जिनको शायद सुबह 2 बजे ही नींद आई होगी, वो डिस्टर्ब करते हैं. चलिए हम उनको कुछ नहीं कह सकते, बट हम आप बच्चों को कह सकते हैं पटाखे जलाओ 10 बजे से पहले पहले, राइट? विल यू एग्री ऑन दिस? नहीं, 10 बजे के बाद ही जलाने हैं? नहीं, किसी को तंग करके तो बेटा गालियां देंगे तुम्हें, है ना? ठीक है, तो इसलिए हमने क्यों किसी की बैड वर्ड सुनने हैं? और ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू ऑल्सो हैव टू अटेन दैट एज. ठीक है, हमने भी, मैं तो चलो जा ही रही हूं उस एज की तरफ, आपने भी, इस टाइम तो यंग हो, आप में पूरा जो है ना वो एक पूरा है कि कोई तंग होता रहे तो हमें मजा आ रहा है, वो सेडिस्टिक, इस हम मजे को हम कह देते हैं सेडिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो बच्चों में होता है, इसको टक्कर मार दी, गिर गया, हम हंस पड़े कि हाय गिर गया, है ना, कि देखो बुढ़ा गिर गया. ठीक है, वी जनरली स्टूडेंट से दिस. ठीक है, तो एंड यू फील हैप्पीनेस इन दैट, बट अगर थोड़ी थोड़ी सी ये सेंसिटिविटी अभी से डेवलप कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहती, थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी, इंजॉय भी करना है तुमने, बट किसी को तंग करके इंजॉय मत करो. ठीक है, ऑलवेज हैव दिस माइंड, क्योंकि यू हैव टू ग्रो, आपके भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को रोकेंगे वो भी नहीं रुकेंगे. ठीक है, ले तुमने मजे कर लिया, मजे भी ना करें. ठीक है, तो इसलिए ट्राई, जो पटाखे चलाने हैं 10, 10:30, इससे ज्यादा लेट नहीं. ठीक है, ट्राई टू डू दैट. और वो थाउजेंड थाउजेंड पटाखों वाली लड़ी तो बिल्कुल मत जलाओ, क्योंकि वो तुम्हारे कानों को भी, आपके ईयर्स को भी डैमेज कर रही है. और बचा कर चलाओ, बिकॉज आई हैव सीन इन PGI इन चंडीगढ़, इन 32 हॉस्पिटल इन चंडीगढ़, मैनी स्मॉल किड्स, दे कम विद बर्न्स, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, पैर जल गया, यहाँ कुछ जल गया, है ना, तो इसलिए ध्यान से. इज इट ओके? चलिए, अब हम थोड़ा सा लाइट, आपने स्कूल में कर लिया दोनों चैप्टर्स? We are doing second You are doing second chapter or first chapter? chapter. Chemical effect of lactic current is done and light is we are doing. You are doing light. There are two chapters of light, right? In first chapter, multiple images, plane mirror is there. In second chapter, there is refraction. What are you doing? Reflection of light is done and we have started refraction of light. Okay, then we will revise today reflection of light, right? So, you will answer now. ठीक है, सभी boys and girls be ready. ठीक है, आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, क्योंकि आप कर चुके हो, माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा ही, राइट? आज की डेट लिखिए. ये पेंसिल करें तो बजे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस भी लिखते जाना है, हर
हाउ डू लाइट प्रोपेगेट्स? जल्दी से लिखो, हाउ डू लाइट प्रोपेगेट्स? एंड हु विल टेल मी एट्थ बी? अभिजोत? यस अभिजोत, जल्दी से बताओ कि कैसे? सिक्स क्लास में आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, लाइट में कौन सी मोशन है, जल्दी से बता दो। सर्कुलर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, कैसी मोशन है लाइट में? पता है कि नहीं स्पीड कैसी मोशन है बेटा? स्टेट मोशन स्ट्रेट मोशन को क्या बोलते हैं? मैंने आपको ऑप्शंस दी है, आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस, ऑसिलेटरी मोशन, देन रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन की रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन रोटेशनल भाई का क्या बोलते हैं? यस द गर्ल। हाँ जी आप बताइए। मैम, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, सो इट विल बी रेक्टिलिनियर मोशन. इट विल बी रेक्टिलीनियर मोशन, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, लीनियर का मतलब सीधा, रेक्टिलीनियर में सीधा। ठीक है बैठो बेटा। सो रेक्टिलीनियर, सर्कुलर कैसे हो सकती है, राउंड राउंड थोड़ी लाइट घूमती है। ठीक है, सो इट इज रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। हाँ तो कैन यू सी दैट? लेट मी, लाइट दिख रही है ना, कहाँ यस पे जाएगी? सीधा जा रही है कि नहीं? यस यस और नो, मैं इस पे घेर रही हूं, ये वाली जो रो है इस पे मैं एक जगह घेर रही हूं, तो इज इट गोइंग स्ट्रेट? यस यस। ठीक है, अब कैन वी डेविएट द पाथ ऑफ लाइट? जल्दी से बताओ, कैन वी यस डेविएट? व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? डू यू नो डेविएशन? लिखो जरा, लिखो जरा। डेविएट मीन्स चेंज, डेविएट मीन्स चेंजिंग। यस कैन यू सी, कैन यू सी दिस कि कैसे मुड़ रही है लाइट? नो लाइनें दिख रही है आपको ये कि नहीं? लेट मी स्विच ऑन वन लाइट। कैन यू सी द टू लाइन्स? कैन यू सी? यस ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ हिल जाता है। कैन यू सी ये दो लाइन्स पे ही लाइट आ रही है, डेविएट? यस अब ये सीधी तो नहीं जा रही, इट नो इज डेविएटिंग इस पाथ, यस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। एक्शन। वेरी गुड। ठीक है, सो नाउ माय क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। तो यहां लिखना है आपने सबने कि लाइट प्रोपेगेशन इज रेक्टिलिनियर। लाइट प्रोपेगेशन इज रेक्टिलिनियर, और ब्रैकेट में जिनको नहीं पता दे राइट डाउन।
moves in straight line. Now, the second question. Can path of light be deviated? Deviated means change. Changed. कहां से चेंज? फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. आंसर इज यस. कैन बी डेविएटेड बाय प्लेन मिरर्स. क्लास 7th में यू हैव स्टडीड स्फेरिकल मिरर्स. देन इन क्लास 7th ऑल्सो यू हैव स्टडीड लेंसेस. देन In this class, you will study glass slab and prism. All these optical structures, they can deviate the path of light. Deviate means उसको रिवर्स कर देना, उसको बेंड कर देना, सीधी चलती चलती लाइट को मोड़ देते हैं कहीं. Is it right? Then, next question is, first, in this class, you have plane mirror only. But first, tell me, as I have shown you, this is a mirror. Is it opaque, transparent, ki translucent? Yes, who will tell me? Just Karan Singh, 8th A. 8th A, Just Karan. Tell me, is it transparent, translucent? 6th class se pad rahe ho, haan. ओपेक This is opaque. और जो आपकी कार की फ्रंट मिरर है या फ्रंट पैन है जिससे आप जो ट्रांसपेरेंट इट इज ट्रांसपेरेंट. बिल्कुल ठीक है. सो मिरर्स जो है, मिरर्स आर ओपेक. यू कैन नॉट सी थ्रू इट. इसके पार नहीं आप देख सकते हो. मेरे यहां इसके पार कितनी फिंगर्स है, यू कैन नॉट सी. राइट, दैट्स व्हाई इट इज ओपेक. बट इज इट, क्या ये ग्लास शुरू से ओपेक है? क्या ये मिरर शुरू से ओपेक है? नो. Now my question is, how will you form या how will you make plane mirror? From transparent glass. Do you know that? हमें ग्लास जो आपका ये नॉर्मल है ना, ये जो ग्लास है, ये ग्लास है, इसी का ही छोटा, ये तो चलो ग्लास हमारा एक टम्बलर भी हो गया. इसी तरह का ग्लास लेके हम मिरर बनाते हैं. देर इज वन गर्ल. हाँ जी बेटा, आ जाओ. बेटा बाहर की तरफ ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो. यस गर्ल्स इधर. हाँ गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ मैम आई थिंक वी कैन मेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. वी कैन टर्न ट्रांसपेरेंट ग्लास इनटू प्लेन मिरर बाय पॉलिशिंग इट्स वन साइड. किससे पॉलिश करेंगे?
किसी से भी कर दो। मैम नो बाय बाय सम मेटेलिक मटेरियल। हाँ फिर चलिए आपका थोड़ा ठीक है, वेरी गुड। मैं वो किसी से भी नहीं, ये नहीं कि घर में जो पेंट आया है उससे पेंट कर दो, है ना, जो आपके दरवाजों पे, और यू वॉन्ट टू यू नो पेंट योर वॉल्स एंड टेक दैट पेंट एंड पेंट द ग्लास टू मेक द मिरर, प्लेन मिरर। नो, देयर आर स्पेसिफिक पेंट्स फॉर यू नो स्प्रेइंग ऑन द प्लेन मिरर। सो फर्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास साइज अकॉर्डिंग टू यू पीपल, वट एवर यू वॉन्ट। देन स्प्रे अ सोल्यूशन ऑफ निकल और क्रोमियम और सिल्वर और गोल्ड मेटल्स समटाइम्स विद एल्युमिनियम आल्सो, राइट? बेटा अगर बाहर क्लास के बाहर ध्यान जाएगा तो यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास। तो हम स्प्रे करते हैं, बट वो पुराना टाइम, इट वॉज प्रीवियस टाइम्स व्हेन किंग्स दे मेक देयर यू नो प्लेन मिरर्स बाय स्प्रेइंग सिल्वर और गोल्ड। नाउ अ डे सिल्वर एंड गोल्ड इज नॉट यूज बिकॉज देन द प्लेन मिरर विल बी वेरी कॉस्टली। व्हाट इज स्प्रे? इट इज जनरली निकल और क्रोमियम और समटाइम्स एल्युमिनियम ऑल्सो। बट वट विल हैपन? स्प्रे कर दिया, ओपेक हो गया, दिस विल मेक द ग्लास ओपेक, प्लेन मिरर इज रेडी, बट दीज मेटल्स विल लीव द ग्लास आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आपका बीच में से धब्बे पड़ जाएंगे, कहीं से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कहीं से ओपेक रहेगा। तो इसको सो दैट द मेटल रिमेन्स स्टक विद द ग्लास, वट वी डू द थर्ड पॉइंट, देन स्प्रे इट विद, स्प्रे द प्लेन मिरर विद अनदर कंपाउंड इज लेड ऑक्साइड। Another compound is lead oxide. Then spray over metallic spray. When it becomes, it means metallic spray becomes dry. और आप यहां पे लिख भी सकते हो When metallic spray becomes dry. Right? First, we take the transparent glass, then spray on one side, not on both the sides. Then spray a solution of nickel, chromium, or you know, silver or gold or aluminium metals on one side of the glass. Then why to spray lead oxide? Reason लिख लीजिए इसका। So that मेटल मेटल स्प्रे रिमेन
स्टक मीन्स चिपके रहना, स्टक विद ग्लास. राइट. Is it okay? Have you written this? Yes. 2 marks में this question can come. Don't think कि ये आपकी बुक में नहीं है या ये बैक क्वेश्चंस में नहीं है. लिखो इंपॉर्टेंट करके, और ये अपने फ्रेंड्स को भी बता देना जो आज नहीं आए. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर. नो दिस इज प्लेन मिरर. थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं. ये हमने टेबल पे एक प्लेन मिरर रख दिया. राइट. सो व्हाट विल हैपन नाउ? अ रे ऑफ लाइट A ray of light is falling on the plane mirror, right? And you know it deviates. And it goes there. Yes or no? Yes. इधर गए. ये हमने जहां पे थोड़ी सी सीधी सी बनानी है, मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी बनी है. नो डू यू नो विच इज दिस एंगल? एनीबडी हु कैन टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? यस, गर्ल्स में सेकंड बेंच पे जो गर्ल है, यस कम फॉरवर्ड. इधर ब्लू शर्ट में आ जाओ. एंगल आई एंगल आई. पूरा नाम बताओ. एंगल ऑफ इंसिडेंस. चलिए अभी आप बैठो, मैं अभी बता नहीं रही हूं कि भी ये कैसी गलत है ना. दिस इज एंगल जी. एंगल जी क्या है बेटा? एंगल बिटवीन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रे? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे एंड प्लेन ऑफ ग्लास. ये सिंपल आप मिरर, नॉट ग्लास बट मिरर, प्लेन ऑफ मिरर और सिंपल मिरर लिख सकते हैं. दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन ऑफ मिरर. राइट. दिस इज एंगल जी. ठीक है, मैंने वैसे ही नाम रख दिया. एंगल आई किसको कहें या नहीं कहें, हमने वैसे ही नाम आर्बिट्रेरली, आई नेम दिस एंगल एज एंगल जी. देन विच इज दिस एंगल, विच इज दिस लाइन? नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल.
everybody knows. Now you have to tell me angle between normal and the plane mirror. You know, this angle, kitna hota hai ye angle? 90 degrees. So this is 90 degrees. This everybody knows. The normal and the plane mirror, the angle is 90. Now the third is. No. Third, listen here. बेटे ये समझ लो इधर देखो ध्यान से. लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि ये नहीं आपको बुक्स में मिलेगा और क्वेश्चन आ जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. दिस इज यू नो दिस इज इंसिडेंट रे यस और नो? आई एम आस्किंग अबाउट द एंगल बिटवीन नॉर्मल नॉर्मल एंड the incident ray. Angle of incident. This is called as angle of incident. This is absolutely right. This is, ध्यान से देखना है. आप मुझे ये G बता रहे थे angle of incidence, तभी मैंने उसका नाम नहीं दिया अभी. This is angle of incidence. The angle between normal. ये पूछा जाएगा theoretical questions. In objective, in MCQ, such questions will be asked. The angle between normal and incident ray, this is called as angle of incidence. Incidence, or it is represented as like this, yes or no? Yes. Right? And which is this angle? Angle of reflection. So, लास्ट में जो बॉयज बैठे हैं वो आओ. हाउ विल यू डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जल्दी से आ जाओ बॉयज और गर्ल. हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. कम. हाउ विल यू डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? किसके बीच में है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बोलो बेटा. ये है एंगल आर. किसके बीच में है? ये तो नॉर्मल है. ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? मैं रिफ्लेक्टेड रे. यस, तो हम क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे. ध्यान से देखो. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. किसके बीच में है? मैं नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है? ठीक रहेगा? याद रहेगा? यस. ठीक है. राइट. एंगल बिटवीन नॉर्मल एवरीबडी शुड राइट एंड रिफ्लेक्टेड रे. इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. So this angle, angle G is not incident. बैठो बेटा बैठो. Very good. So it means angle G is not incident angle? No. Oh,
दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ग्लास. लिखो जरा, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ग्लास. और अंडरलाइन करो इसको डार्क. नो, एक थोड़ा सा लिख लिया ये सारा. राइट वन क्वेश्चन. राइट डाउन वन क्वेश्चन. इफ एंगल ऑफ ग्लास इज 50 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ओके, बॉयज विल टेल मी. फर्स्ट बेंच से तो हमने पूछना नहीं अभी. सम बॉय विल टेल मी. आर्यन, 8th B. आर्यन, आ जा बेटा. सब कुछ बोर्ड पे ही है. एंगल ऑफ ग्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री है. ये जो हमने एंगल, ये भी देख लो, ये 90 डिग्री होता है. और हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है. कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. यस टेल मी. और आपने नहीं बताना बेटा, गर्ल्स यू डोंट टेल. हाँ, 40 डिग्री कैसे निकाला? आंसर तो 40 डिग्री. ठीक, आपने बता दिया बेटा. थोड़ा सा है ना, ध्यान से सुनो आर्यन, है ना, कि नाउ सी कि एक ये है, ये कितना एंगल है बेटा? ये कितना एंगल होता है? क्या दिख रहा है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, क्या है? 90 डिग्री. ये आपको पता है, यही बताया, ये 90 डिग्री है. किसी और ने नहीं बताना. यहां से लेट अस से ये वाला जो एंगल है, ये मैंने बता दिया 30 डिग्री है. तो आप बाकी बचा हुआ एंगल बता सकते हो कि नहीं? पूरा, लेट हिम टेल. पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से छोटा जो है वो 30 डिग्री है. तो बाकी का एंगल कितना होगा? उसको बोलने दो, बोलने दो. कैसे मैम बताया? माइनस मिनट 90 माइनस 30, यही किया ना, 60 डिग्री आ गया. यस और नो, यस है ना? 5 पीसेस है, उसमें से एक आपने किसी को पिज्जा के पीसेस दे दिए, तो बाकी कितने बचे? 4 पीसेस बचे. राइट, यस सो दिस इज हाउ कि दिस इज, यू नो, बैठो बेटा, सिट डाउन. और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इन योर बुक, इन योर कॉपी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ दिस इज 90 डिग्री और उसका कुछ पार्ट दे दिया कि वो 50 डिग्री है, हाउ मच रेस्ट ऑफ द पार्ट इट इज 40 डिग्री? सो आंसर इज 40 डिग्री. और ये आपको क्या याद रखना है, एंगल आई प्लस एंगल जी, ये दोनों इक्वल इट इज इक्वल टू 90. डिग्री ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, देख के भी पता चल रहा है, अदरवाइज ऑल्सो यू शुड रिमेम्बर.
एंगल आई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल आई वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल जी इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40. डिग्री इज इट क्लियर? ठीक है. और लास्ट में ऑल्दो योर मैम मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, एक चीज, क्योंकि प्लेन मिरर फिर वहां पर खत्म हो जाएगा. एंड लास्ट थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर बुक बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ इफ देयर इज नो प्लेन मिरर, आप भूल जाओ कि यहां पे प्लेन मिरर है, तो ये लाइट कहां जाती? ये लाइट ऐसे जाती कि नहीं सीधा? है ना. इफ देयर इज नो प्लेन मिरर, दिस लाइट मस्ट हैव बीन ट्रेवल्ड स्ट्रेट. इट मीन्स मिरर हैज डेविएटेड द पाथ ऑफ लाइट. एट व्हाट एंगल? एट व्हाट एंगल इट हैज डेविएटेड? इतने एंगल से, यस और नो? इतने एंगल से मिरर ने लाइट को मोड़ दिया है, चेंज कर दिया है उसका पाथ. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा. इसका किसका साइन है? डेल्टा. ठीक है. सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? मींस एंगल डेल्टा. जैसे 8 लिखते हैं ना, 8 पूरा नहीं लिखना है आपने, इस तरह से लिखना है, इस तरह से एंगल डेल्टा. सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? राइट डाउन फर्स्ट, फिर ये डायग्राम बना लेना. इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बाय विच द लाइट इज डेविएटेड. इट इज द एंगल बाय विच द लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स From its straight path from its straight path due to plane mirror. Done? ठीक है. चलिए अब जल्दी से फटाफट हम एक, अब हम जैसे आपकी बुक में दिया होता है प्लेन मिरर, कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज प्लेन मिरर. ये क्या है? दिस इज नॉर्मल, राइट? अब आपने मुझे बताना है. करो, दिस इज ए, आप इसको लेबल करो जल्दी से, पिछला देख के नहीं, खुद करना.
सॉरी। अच्छा चलो ठीक है। पीछे वाली रो में जो गर्ल्स बैठी है वो तीनों आ जाएं टुवर्ड्स विंडो, या जो इस तरफ को जहां पे कर्टेंस लगे हुए, आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ। हाँ जी आगे बेटा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये जी क्या है? एंगल ऑफ ग्लास मत बता देना, मैंने तो ये ए बी सी डी ई एफ जी लिखा है। व्हाट इज दिस जी? ग्लेंस। मैंने अभी आपको कहा कि एंगल ऑफ ग्लास मत बताना कि जी लिख दिया तो एंगल ऑफ, ये किसके बीच में है? ये देखो ये, अच्छा पहले ये बताओ ये ए क्या है? है कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे है कि नॉर्मल रे है कि रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है ये बेटा? इंसिडेंस का मतलब होता है जो उस पर गिर रही है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो बाउंस बैक हो रही है। बॉल, अगर हम बॉल लेके, अभी मेरे पास बॉल, इफ यू कैन, अब ये कहाँ जाती है मैं कह नहीं सकती। ये है इंसिडेंट और ऊपर आई तो रिफ्लेक्टेड, अगेन इंसिडेंट और ऊपर आई रिफ्लेक्टेड। अब बताओ ये कौन सी रे है जो मिरर पे गिर रही है? इंसिडेंट जोर से, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, राइट, जो गिर रही है। सेकंड गर्ल आ जाइए, ए इज रे ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी सेकेंड वाली मैम बी इज नॉर्मल। बी इज नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टूडेंट, सी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, यस। अगले बेंच पे वाले बच्चे आ जाओ जल्दी से। यस जल्दी से आ जाओ जल्दी से, तीनों कम क्विकली, फटाफट से ये करके खत्म करें। एवरीबडी शुड ड्रॉ अगेन, दोबारा से ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से लेबल करो। हाँ जी यस टेल मी, व्हाट इज दिस डी? इंसिडेंट रे एंड मिरर के बीच में जो है एंगल, डी क्या है? ये डी क्या है? हमने मिरर ऐसे बनाया था, ऐसे इंसिडेंट रे थी, ये वाला एंगल कौन सा बताया था? एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री, तो बेटा हमेशा होगा वो इस तरह से होगा, ये तो मैंने ऐसा बनाया ही नहीं। 90 डिग्री, ये देखो अगर हम देखें नॉर्मल से ये हो रहा है 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री हो नहीं सकता, ये होगा 90 डिग्री। ये एंगल का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? इसका मतलब पिछला डायग्राम नहीं बनाया आपने, बनाया था तो पता होना चाहिए था, नकली मार लेते वहां से। एंगल ऑफ डिफरेंस। हाँ जी अभी आप खड़े रहो यहाँ पे, सेकंड वाला स्टूडेंट बताए। हाँ अपनी कॉपी लेके आओ, जिस बच्चे ने अभी बताया ना अपनी कॉपी लेके आओ। हाँ आप बताओ बेटा, येलो शर्ट में। हाँ एंगल ऑफ कौन सा है? मैं सीएनस एशियन। बेटा आई एम सरप्राइज्ड, कॉपी लेके आ बेटा, कॉपी लेके आ, अपनी कॉपी लेके आ, तुम भी अपनी कॉपी लेके आओ। बोथ स्टूडेंट्स ब्रिंग योर कॉपी। एंगल डी इज अ डेल्टा। इट इज नॉट डेल्टा, ये तो मैंने एबीसीडी वैसे ही लिख लिया। कॉपी लायो मैम, इनकी कॉपीज देखो जरा, इन्होंने लिखा है कुछ, बनाया है कुछ, दिखाओ खाना देखो मैम इनकी कॉपी।
चलो बताओ फिर, एंगल ऑफ ग्लास क्या बताया था आपको? ये नहीं, यही वाले बच्चे बताएंगे अपनी कॉपी से पढ़ के जरा। मैम थोड़ा सा चेक किया करो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ना डायग्राम बनाया और फिर इनके एग्जाम्स में मैंने तो यही क्वेश्चंस देने हैं, क्योंकि मैंने तो कराए हैं। आई विल गिव दीज क्वेश्चंस ओनली, मैं कोई बुक नहीं देखूंगी, वट एवर आई हैड टॉट यू आई विल गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। कम फॉरवर्ड। बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है कॉपी में? एंगल ऑफ ग्लास क्या होता है? बेटा जो भी आपका नाम है ना, वट एवर द थ्री स्टूडेंट्स, आप तीनों ने मुझे मेरा फोन नंबर नोट करो, सिट डाउन ऑन योर बेंच, गो गो टू योर बेंच, मेरा फोन नंबर नोट करो, 9814213682। इस फोन नंबर पे ये पूरा डायग्राम लेबल्ड मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, द थ्री स्टूडेंट्स। क्या नाम है आप तीनों का? हरजोत, आर्यन एंड ताजप्रीत। हरजोत, आर्यन ताजप्रीत और ये कौन सी क्लास के है? मैम 8th, 8th ए की बी? मैम दो, आर्यन एंड हरजोत 8th B, ताजप्रीत 8th A। ओके, अपना नाम लिख के मुझे ये तीनों बच्चों ने व्हाट्सएप करना है, ठीक है बेटा? बैठो, क्योंकि ऐसे तो चाहे किसी की कॉपी से लिखो देखो, चाहे ये लेक्चर जो मैंने किया है ये अपलोड होगा के एडुकॉन ई लर्निंग यूट्यूब पे, वो देख के मुझे बना के भेजने हैं। सो सी जो है रिफ्लेक्टेड रे है, डी क्या है? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ग्लास है। ई e क्या है? एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस। बेटा यस इंसिडेंस। ये एंगल जी है, ये एंगल आई है, एंगल एफ क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल जी कौन सा है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है जी, तो ये है। टीचर्स प्लीज थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें तो इनको लंच टाइम में किसी की भी कॉपी लेके ये ड्रॉ करें और मुझे भेजें, चाहे घर जाके भेज दें, सो दैट दे शुड हैव दिस डायग्राम इन द कॉपी, क्योंकि ये डायग्राम विद ऑल दीज लेबलिंग्स आर विल गोइंग टू बिकम इन देयर एग्जाम अंडर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ, डायग्राम विद ऑल दीज लेबलिंग, ये 3 मार्क्स में या 5 नंबर में क्वेश्चन आना है। 5 नंबर में आएगा तो डायग्राम प्रॉपर लेबल करो और एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो, ठीक है जी? चलिए, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ओके बेटा, बाय बाय।